नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। क्या आप चश्मा लगा लगाकर परेशान हो चुके हैं? क्या आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर परेशान रहते हैं? उसके कारण से आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आप नहीं चाहते कि आप चश्मा लगाएं, आप नहीं चाहते कि आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करें। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बड़ा बुरा लगता है। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको केवल आपको 21 दिन करने के बाद आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप किसी भी समय कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के कर सकते हैं, बिना किसी के खर्चे की कर सकते हैं। और आप अगर ये नियमित रूप से इसका 21 दिन तक अभ्यास करेंगे तो आप में बहुत सारे चेंजेस नजर आने लगेंगे। आप जो चश्मे के बिना एक मिनट तक नहीं रहते हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंस के बिना नहीं रहते हैं, आपको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। आप उठते के साथ ही चश्मा ढूंढते हैं और सोते समय तक आप चश्मा लगाकर रहते हैं, जिसके कारण से आपको बहुत बुरा लगता है और मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि चश्मा नहीं लगाना चाहिए। तो आप इन कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास 21 दिन कम से कम करें और खुद अपने अंदर परिवर्तन देखें। तो देखते हैं कौन सी है वो एक्सरसाइज, कौन से हैं वो तरीके जो आपके चश्मे को भी हटा सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लेंस को भी हटा सकते हैं। आइए जानते हैं। आपको सीधा बैठना है, आप किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप स्टूल पर बैठ सकते हैं, आप कमरे में बैठ सकते हैं, आप अपने बरामदे में बैठ सकते हैं, आप अपने पार्क में बैठ सकते हैं, जहां आपको स्पेस मिले, जहां आपको अच्छा लगे, आप वहां बैठकर ये कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। सबसे पहले हमको बिल्कुल सीधा बैठना है, हमें आई एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है देखेंगे, सीधा बैठ जाना है, कमर हमारी सीधी रहेगी और हमें अपनी आंखों से ऊपर देखना है, छत की ओर देखने का प्रयास या आसमान की ओर देखने का प्रयास। ऊपर देखना, फिर नीचे देखना, फिर ऊपर देखना, फिर नीचे देखना, फिर बाएं। हमारी जो ये पुतलियां होती हैं, जो ये काली आई बॉल होती है, इसको हमें लेफ्ट साइड तक ले जाना, जितना भी आप ले जा सकते हैं उतना आपको लेकर जाना है। इस प्रकार से देखें, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। इस प्रकार से चारों दिशाओं में हमें घुमाना है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, ऊपर नीचे बाएं दाएं, चारों दिशाओं में घुमाना है। फिर हमें इसे राउंड शेप में घुमाना है, ऊपर घुमाया, इधर दाएं बाएं घुमाया, नीचे देखा दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं, चारों दिशाओं में इस प्रकार से हमें अपनी आई बॉल को घुमाना है। फिर दोनों दिशाओं में करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने ऊपर से लेफ्ट ले गए थे, अभी देखेंगे हम दूसरी साइड से करेंगे, ऊपर से राइट साइड ले जाएंगे, ऊपर ले गए राइट साइड, नीचे लेफ्ट, ऊपर सीधी साइड नीचे की तरफ और बाईं साइड। इस प्रकार से ये बारी बारी से आपको करना है। शुरू में आप कम से शुरू करें, केवल 10 मिनट करें दिन में। आप किसी भी समय कर सकते हैं, वैसे जो कहा जाता है वो सुबह और शाम का जो समय है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से आपके पास अगर समय का भाव है तो आप दिन में भी ये क्रियाएं कर सकते हैं। आप सनगेजिंग कर सकते हैं, सनगेजिंग मीन्स आप सूर्य की रोशनी में बैठें। और वो बैठना कब है, या तो जब सूर्योदय होता है उस समय, सूर्योदय का जो एक घंटा है उस समय आप बैठे, और या सूर्यास्त का जो लास्ट वाला घंटा है, जब सूर्य छिपने वाला होता है उस समय आप सूर्य की रोशनी लें। केवल एक मिनट से शुरू करना है, शुरू में आपको एक मिनट से शुरू करना है। आप छत पर बैठ सकते हैं, आप पार्क में बैठ सकते हैं, या आपकी बालकनी में धूप आती है, सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, तो आप वहां से एक दृष्टि से देखें। कई बार क्या होता है कि जब हम देख रहे होते हैं तो हमारी जो पलक है वो झपकती है, क्योंकि रोशनी तेज होती है तो हमारी आंखें वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर रही होती। तो इसलिए अगर आपको पलक झपकनी भी पड़े तो आप झपक सकते हैं। उसमें क्या करना है, हमें सीधा बैठना है, हमारी स्पाइन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, और हमें सूर्य की रोशनी को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जब हम सूर्य की रोशनी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे किरणें जो सूर्य की रोशनी की होती है वो हमारे आई के कॉन्टैक्ट में आती है, जिसके कारण से आई की जो मसल्स हैं, वहां की नर्व हैं जो वीक हो गई हैं, उनमें स्ट्रेंथ आता है, और वो जो नर्व है, वो मसल्स है, वो रिलैक्स होती है, जिसके कारण से हमारा जो आई विजन है वो तेज होता है। इसलिए आप सूर्य की रोशनी जरूर लें। आई पैक आप ले सकते हैं,
आईपैक आप अपने घर में बना सकते हैं, बड़ा आसान होता है। आपको खीरा लेना है और खीरे को कद्दूकस कर लेना है, पीस लेना है कद्दूकस जैसे करते हैं, और सीधा लेट जाना है थोड़ा सा, इतना लगभग इस मात्रा में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक चम्मच इस क्वांटिटी में लेना है, और आपको इस आंख पे एक बार रखना है, और यानी कि इस आंख पे भी रखना है और इस आंख पर भी रखना है। और जब हम ये क्रिया करेंगे तो हमारी आंखें बंद रहनी चाहिए, क्योंकि जो खीरे की तासीर होती है ये ठंडी होती है, जो हमारी आई की सभी परेशानी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आई पैक बहुत अच्छा है। अगर कई बार खीरा नहीं है, खीरा बड़ी आसानी से मिल जाता है और आराम से मिल जाता है, हर स्टेट में मिल जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर खीरा आपके पास नहीं है तो आप इसके अलावा सफ़ेद पेठा ले सकते हैं, उसको कद्दू कस करके इसी प्रकार से रखें, या आप घिया ले सकते हैं जिसे हम लौकी बोल सकते हैं, उसे भी कद्दू कस करके अपनी आंखों पे रख सकते हैं, या आलू ले सकते हैं। इन चारों चीज में से आप कोई भी एक चीज ले सकते हैं और अपनी आंखों पर आप रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट आपको ये रखना होता है। जब हम ये क्रियाएं करते हैं तो हमारी जो आई समस्या प्रॉब्लम है, हमारे जो चश्मे लगे हुए हैं, हमारी आई का नंबर बढ़ गया है, तो ये करने से उसमें बहुत आराम हमें देखने को मिलता है। तो इसका अभ्यास भी लगभग आप शुरू में 21 दिन करें और आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आपको करनी है तो निश्चित ही देखेंगे कि आपको बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं आपको देखने को मिलेंगे। और कोशिश करें, एक चीज का और ध्यान रखें कि रात को 9 बजे के बाद हमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन नहीं देखनी। जैसे कि हम पूरा दिन लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं और हम उस पर लगातार अपनी दृष्टि बनाकर रखते हैं, और जो उससे निकलने वाली किरणें हैं, जो रेज होती हैं, वो हमारी आईज के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि मुझे 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं देखनी, ना आपको टीवी देखना है, ना कंप्यूटर लैपटॉप देखना है, और ना फोन का यूज करना है। कई बार जब व्यक्ति 9 बजे 10 बजे घर पहुंचता है तो वो कोशिश करता है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं कुछ मूवी देख लूं, मैं कुछ फोन पर मैसेज पढ़ लूं, कुछ चैटिंग कर लूं। तो इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव लाना है, क्योंकि हम जो पूरे दिन क्रियाएं करते हैं उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, इस चीज का आपको ध्यान करना है। तो उसको करने मात्र से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन तो हमें लाने हैं, क्योंकि हमें अपनी बीमारी को दूर करना है। क्योंकि जब हम सारा दिन, आप देखें कि आप लगातार एक दिन केवल आप महसूस करें, अगर आप 8 घंटे कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हैं, फोन पर कोई वर्क करते हैं, उसके बाद आपको बहुत आंखों पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से आपको ऐसा लगता है कि मुझे बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। तो आप ये अभ्यास करें कि 9 बजे के बाद आपको इस तरह की कोई स्क्रीन नहीं देखनी। और एक क्रिया और साथ में करें, ये देखेंगे ये मेरा अंगूठा है, ये हमें अपनी आईज के पास इस प्रकार से लाना है, यानी कि नोज पर रखना है और अपनी आंखों से दूर करते जाना है। और हम जब दूर करेंगे तो हमारी जो दृष्टि है वो इसकी नोक पर होनी चाहिए। देखेंगे कैसे, ये मैंने अपनी नाक पर रखा और इसको मैं अपनी नाक से दूर करते जा रहा हूं, लेकिन मेरी जो दृष्टि है वो जो मेरे अंगूठे का ऊपर वाला ये भाग है, इस पर मेरी दृष्टि बिल्कुल केंद्रित होनी चाहिए। इसका लाभ जब ही मिलेगा, जब मैं पास लाऊंगा तो भी मेरी दृष्टि वहीं पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल पास लाते में भी यहां तक मेरी दृष्टि बिल्कुल केंद्रित है, और धीरे धीरे जब मैं इसको दूर लेकर जा रहा हूं तो मेरी जो दृष्टि है बिल्कुल ऊपर, अंगूठे के ऊपरी भाग पर केंद्रित रहनी चाहिए। इस प्रकार से करें, शुरू में यह क्रिया आप 15 से 20 बार करें। इस प्रकार से मुझे यह एक्सरसाइज करनी है, ऐसा आप निश्चय करें, और अपनी आंखों की रोशनी को आप खुद बढ़ा सकते हैं, ये सब आपके हाथ की बात है। बहुत जबरदस्त ये सारी क्रियाएं हैं, जिसको भी बताई है वो सभी इससे लाभ ले रहे हैं, तो मेरे को लगा कि आपके साथ भी मुझे ये सब शेयर जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से आप ये क्रियाएं निरंतर करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको एक मोमबत्ती लेनी है, और मोमबत्ती लेंगे जब तो उसको ऐसे स्थान पर रखना है कि आपकी दृष्टि मोमबत्ती के ऊपर वाले जो टिप्स है, जो बिल्कुल उसका टॉप वाला हिस्सा है जहां वो लो बनती है, उसको आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल टॉप वाले भाग को। तो उसको हमें किसी स्टूल पर रखना है, हमें नीचे बैठना है, या कुर्सी पर रखना है, हमें नीचे बैठना है, या हमें कुर्सी पर बैठना है, टेबल पर मोमबत्ती रखना, मतलब डिस्टेंस इतना हो कि जो हमारा आई कॉन्टेक्ट है वो मोमबत्ती के ऊपर वाले भाग पर हो सके, और उसको बिल्कुल
एक दृष्टि से इसे हम त्राटक बोलते हैं, और हमें लगभग शुरू में एक मिनट, दो मिनट, ऐसा आप पांच मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं उससे जो अग्नि निकल रही होती है, जो किरणें निकल रही होती है, वो हमारी आई के लिए बहुत लाभकारी होती है। उसके बाद हमें जब भी कोई क्रिया करे तो अपने हाथ को इस प्रकार से हमें रब करना होता है, घिसना होता है, इसे पामिंग बोलते हैं, इस प्रकार से घिसना है, इस प्रकार से हमें घिसना होता है, इस प्रकार से घिसेंगे और अपनी आंखों पर हमें एक मिनट तक लगभग इस प्रकार से रखना है। हमें अपनी हथेलियों से आंखों को दबाना नहीं है, केवल आंखों को ढककर रखना है, इस प्रकार से रखेंगे। जब हम ये पामिंग क्रिया करते हैं तो जब ये रगड़ते हैं तो यहां से देखेंगे गर्मी जैसा हमें एहसास होता है, और ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई हवन यज्ञ करते हैं, तो हम हाथों को ऐसे घिसते ही घिसते हैं और उसके बाद इस प्रकार से हम अपनी आईज को रिलैक्स करते हैं, और यह करने मात्र से आपको आईज की बहुत समस्या जो हो गई है उसमें काफी आराम मिलता है। हमारे उपनिषदों में भी एक उपनिषद है चक्षु उपनिषद, जिसमें हमारी आंखों के बारे में इस उपनिषद में बहुत बारीकी से चर्चा की गई है, जिसमें यह सारी क्रियाएं बहुत लाभकारी है इसका वर्णन किया गया है, और चक्षु उपनिषद की वजह से हमें बहुत सारी जो जानकारी है वो उससे निरंतर मिलती भी रहती है। तो आप ये केवल कुछ छोटी क्रियाएं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं अपने घर पर करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे, और कम से कम 21 दिन लगातार करेंगे, तो निश्चित ही आपकी जो आंखों की समस्या है, आपके चश्मा चढ़ गया है, आपका नंबर निरंतर बढ़ रहा है, आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं जिसके कारण से आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप निश्चित ही इन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।